पर्युषण महापर्व का पांचवा दिवस और पांचवें दिन का संदेश है कि जीवन को रेड लाइट पर रुकाना सीखो। जीवन की रेड लाइट कौन सी है उसे पहचानना सीखो, यानी आज का टॉपिक है जीवन को रेड लाइट पर रुको। जीवन की रेड लाइट कौन सी है इसका पता करने से पहले चिंतन की दो पंक्तियां हैं, और वो चिंतन की पंक्तियां इसलिए हैं ताकि हम राइट जो है बात को ग्रहण कर सके। चिंतन की पंक्ति है, सही समय पर रुक जाना, सही समय पर रुक जाना, वरना समय तुम्हारा रुक जाएगा। सही समय पर रुक जाना वरना समय तुम्हारा रुक जाएगा। बहुत सुंदर पंक्तियों का सार है, रुकने का संदेश दिया हुआ है। भागम भाग जिंदगी चल रही है, और भागती हुई जिंदगी के अंदर, दौड़ती हुई जिंदगी के अंदर रुकने का संदेश जो है वो पॉज लगाना सिखाता है। जिंदगी के अंदर पॉज लगाना सीखो। यदि पॉज नहीं लगेगा तो समझ लेना ये भागती हुई जिंदगी कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, कभी भी वो जो है घायल हो सकती है। इसलिए ज्ञानियों ने इतनी सुंदर बात बताई कि भागती जिंदगी के अंदर पॉज लगाने के लिए रुकना सीखो। और वैसे रुका नहीं जाता तो सारे सिग्नल्स बताते हैं कि क्या करो, रुको। कहाँ आते सिग्नल्स आपके? रोड पे सिग्नल होते क्या? कहाँ होते? चौराहे पे। चौराहे पे सिग्नल्स होते हैं, रेड लाइट के सिग्नल्स होते हैं, जहाँ जिसको ट्रैफिक सेंस का बोध है वो व्यक्ति रेड लाइट दिखने पे रुक जाता है। और रुकता ही नहीं है, उस समय बहुत कुछ सोचता है। केवल रुकना ही नहीं होता, उस समय वो जरूरी कार्य कर लेता है। यानी रुकने का उसे जब बोध होता है कि मैं रुक गया हूँ, तो रुकने के साथ एकदम से वो स्वयं को मानने लगता है, वो स्वयं को मानने लगता है। और इसी के संदर्भ में हम जानेंगे जीवन की रेड लाइट कौन सी है, और ये रेड लाइट मनुष्य जन्म के चौराहे पे मिलती है। स्टेशन कितने हैं? चार। लेकिन मनुष्य जन्म को चौराहा कहा है, क्यों? क्योंकि ये चौराहे पे चॉइस करने की पूरी सुविधा है। कहाँ जाना चाहिए, कहाँ मेरा गंतव्य है, जहाँ मुझे जाना है वहाँ इसी चौराहे से सारे डिसीशन लिए जाते हैं, सारे निर्णय पक्के किए जाते हैं। तो निर्णय को पक्का करने के लिए ये चौराहा आता है। मनुष्य जन्म मिला यानी चौराहा मिल गया। चौराहा मिलना काफ़ी नहीं है, ट्रैफिक सेंस का होना भी बहुत जरूरी है। और इसलिए कहा कि चाहे कोई व्यक्ति ऐसी गाड़ी में बैठा हो जो गाड़ी कहते हैं बहुत अच्छी गाड़ी है, अच्छी मतलब बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी उसकी स्पीड है, मार्ग जो है बहुत सीधा सरल है, सीधा सरल मार्ग हो, गाड़ी बहुत अच्छी हो, तेज रूप से दौड़ती हुई हो, फिर भी गाड़ी का क्या करते हो? गाड़ी गर्म नहीं हो जाती? रुकाते हो कि नहीं रुकाते हो?
जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तब गाड़ी को रुकाते हो कि गाड़ी गर्म हो गई है, इसका मतलब रुकना कितना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति रसगुल्ला खाने का शौक रखता हो और एक के बाद एक रसगुल्ला खाता चला जाता हो, फिर क्या लगाता है वो, क्या करता है वो, रुकता है। यदि वो नहीं रुकेगा तो सांस रुक जाएगी, यदि वो नहीं रुकेगा तो उसकी सांस रुक सकती है। इस संभावना को देख करके वो स्वयं रुक जाता है। ऐसे ही भगवान ने कहा, जीवन मिला है तो इस जीवन के अंदर रुकना सीखो। जितना भागना जरूरी लगता है उतना रुकना जिस दिन जरूरी लग जाए उस दिन हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, हमारे जीवन की क्रांति हो सकती है। तो जीवन की क्रांति कहाँ से शुरू होती है, तो जीवन में जब रेड लाइट का सिग्नल मिले तब रुक जाना चाहिए। तो आज हम दो रेड लाइट के बारे में बात करेंगे, वैसे तो बहुत रेड लाइट्स है लेकिन हम यहाँ पे दो रेड लाइट की बात करेंगे। नंबर वन ऐसी रेड लाइट कि जब जीवन में आए तब कहते रुक जाना चाहिए, तब रुक जाना चाहिए, चिंतन करने के लिए रुक जाना चाहिए। तो जीवन की पहली रेड लाइट है कि जब जीवन में पाप का उदय हो, पाप का उदय हो तब क्या करना चाहिए, स्पीड तेज करनी चाहिए। बिजनेस नहीं चल रहा हो, डाउनफॉल हो रहा हो और उस समय विचार आता है कोई नया बिजनेस कर लेते हैं, उस समय विचार आता है कहीं से पैसे लोन वोन अरेंज करके हम कुछ इंतजाम कर लेते हैं। यानी उस समय जिस समय पाप का उदय हो और आप चाहते हो स्पीड मेरी रुके नहीं, स्पीड मेरी बनी रहे, स्पीड मेरी बढ़ती रहे, और उस समय कहा जाता है बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, रुक जाता है। रुक जाने में सार नजर आता है, रुक जाने में भलाई नजर आती है, रुक जाने में उसे अपना हित नजर आता है। यानी रुक जाना चाहिए जब जीवन में पाप का उदय हो, जब जीवन में पाप का उदय हो। कैसे पता लगेगा, यानी जब जीवन में कुछ संकेत मिलने लगे, जब आपकी लाइफ में आपको कुछ संकेत ऐसे मिलने लगे और संकेत ऐसे मिलने लगते हैं जैसे मान लीजिए आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति फुटबॉल मैच खेलता। क्या होता है फुटबॉल मैच में, क्या क्या नियम है फुटबॉल का, फुटबॉल मैच जब खेली जाती है तो क्या होता है। यानी आप देखिए एवरीवन उस समय हालत क्या होती है, जब फुटबॉल मैच चल रही होती है एवरीवन किक्स योर बॉल, क्या करते हैं आपके बॉल को उछालते हैं, आपके बॉल को फेंक देते हैं। यानी एवरीवन किक्स द बॉल अराउंड, यानी हर जगह पे आपकी बॉल को उछाला जाता है, पटका जाता है। यानी समझ में आ जाए कि यदि मेरी चाह जो है, जागी हुई चाह यदि पूरी नहीं हो रही है, यदि जीवन में बदनामी मिल रही है, यदि जीवन में बीमारी आ चुकी है, यदि जीवन में अभाव नजर आता है, यदि कोई मेरा अपमान करता हुआ मुझे दिखाई देता है, यदि कुछ ऐसा होता है जैसा आपने सोचा ही ना हो, जैसा कभी हुआ ही ना हो आपके साथ, ऐसा सब होने लग जाए तो समझ लेना क्या होने लगा है। ये मेरे जीवन के अंदर पाप का उदय स्टार्ट हो गया है, ये मेरे जीवन के अंदर पाप का उदय तीव्रता से शुरू हो गया है, कोई भयंकर बीमारी मुझे लग गई है, कोई ऐसा कुछ हो चुका है मेरी जिंदगी में कि अब जो है मैं इधर उधर कहीं से उपाय नहीं निकाल पा रहा हूँ। इसका मतलब जीवन में दुख का प्रवेश हो गया है, और दुख का प्रवेश होना ही समझ लेना कि जीवन की पहली रेड लाइट है। और का क्या करना होगा, रुकना होगा। इसलिए कहते स्टॉप करो, गति को जीरो करो, स्पीड ब्रेकर नहीं चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर तो आपकी गति को जीरो करना है, स्पीड को जीरो। तो चिंतन प्रारंभ होगा, विचार करते
विचार करने की आपकी मनोभूमिका तैयार होगी और उस समय जब जीवन में दुख आए तब क्या विचार करना है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। क्या विचार करना जब जीवन में दुख का सिग्नल रेड लाइट का आ जाए तो मुझे रुकना तो है ही, लेकिन जो रुकता है वो या तो वो चिंतन करता है या चिंता करता है, दो में से एक काम करता है। या तो चिंता करेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, दूसरे व्यक्ति तो कितने मौज से रहते हैं, कितने गलत काम करते फिर भी क्या है, बड़े सुखी हैं, ऐसी सोच आती है और ये सोच चिंता को जन्म देती है। भगवान महावीर ने कहा जब जीवन में दुख आए तब चिंता नहीं करे, चिंतन करे, और चिंतन करने के लिए कहीं तो रुकना होगा, कहीं तो आपको पॉज देनी होगी, कहीं तो रेड लाइट आपको दिखाई दे तो समझ जाना कि यहाँ रुकने की अनिवार्यता है। तो रुक के क्या करोगे, चार पॉइंट है। जब रुकोगे दुख के अंदर, जब जीवन में दुख महसूस हो, जब जीवन में ऐसी अपने से शिकायत पैदा हो, तब चार बातों का चिंतन करने के लिए रुकना है। नंबर वन कि इस संसार में दुख जो है वो संसार का स्वभाव है। क्या सुनोगे, क्या समझोगे? जो जीवन में दुख आया है वो इस संसार का स्वभाव है, वो इस संसार की फितरत है, वो ऐसा ही होना है। क्योंकि जगत के अंदर कोई व्यक्ति जन्म ले और दुख उसके जीवन में न आए ऐसा हो नहीं सकता। दुख जीवन का नॉर्मल अवस्था है, इसको क्या मानो, नॉर्मल, बिल्कुल एबनॉर्मल नहीं होना, बिल्कुल विक्षिप्त नहीं होना, दुखी दुखी नहीं हो जाना, उस समय सोचना ये तो नॉर्मल बात है, ये तो बड़ी साधारण बात है, ये कोई बड़ी बात कुछ भी नहीं है। यानी ऐसा अंदर में सोचेंगे कि कोई बड़ी बात हुई नहीं है, ये तो सब स्वाभाविक है, ऐसा सब होगा। क्योंकि दुख भी कहता है मुझसे डरो मत, दुख कहता है मुझसे लड़ो मत, दुख कहता है मुझसे भागो मत, दुख कहता है मुझे दबाओ मत, और दुख कहता है मुझसे घबराओ मत। तो फिर क्या करो, जो दुख जीवन में आया है, जो दुख जीवन को लगता है, उस दुख का क्या किया जाए? तो कहते हैं दुख में भागो नहीं, दुख में जागो। क्या करो, जागो, जागने का अवसर है। इसलिए दुख के बोल हैं, दुख का बोल ये कहता है मैं जागृति का जन्मदाता हूँ, मैं आपके भीतर में क्या जगा रहा हूँ, जागृति, मैं आपके भीतर में विवेक को जगा रहा हूँ, मैं आपके भीतर में प्रज्ञा को जगा रहा हूँ, ये जागने का अवसर है, इसलिए जागना होगा। यानी दुख कहता है मैं तुम्हारे द्वार पर तुम्हें जगाने आया हूँ, तुम्हारी सारी टैलेंट्स को, तुम्हारी सारी सोई हुई टैलेंट्स को क्या करने आया हूँ, जगाने आया हूँ। तो नंबर वन का पॉइंट याद में आ जाए कि ये दुख जीवन में आया है, ये जागृति का जन्मदाता है। क्योंकि दुख जो आया है वो आपको फीडबैक देने आया हुआ है। कौन सी फीडबैक, क्या फीडबैक देने आया है? यानी कोई व्यक्ति को आपने आपने जो दिया है, आपने जो किया है, उसका रिप्लाई, जवाबी कहते हैं ना, जवाबी यानी रिप्लाई, आपको फीडबैक देने आया हुआ है। यानी दुख कहता है मैं ऐसा हूँ जो इस संसार के सर्कस का जोकर हूँ। कोई भी सर्कस बिना जोकर के होता है, नहीं होता। कोई भी सर्कस बिना जोकर के नहीं हो सकता, ऐसे में संसार के सर्कस का जोकर हूँ। यानी दुख कहता है, यह दुख हमें सिखाना चाहता है कि मैं न देव हूँ और ना मैं देवदूत हूँ, फिर भी मैं आपको मोक्ष के मार्ग के निकट ले जाता। कहाँ ले जाता हूँ,
ना मैं देव हूँ ना मैं देवदूत हूँ, फिर भी मैं आपको जो है मोक्ष मार्ग के निकट ले जाता हूँ। जब जीवन में इतने दुखों से व्यक्ति गिर जाए तब उसे लगता है कब इन जीवन से मुक्ति हो जाए, कब इन समस्त दुखों से मुक्ति हो जाए, कब जन्म मरण से मुक्ति हो जाए, ऐसा भी सोचने में आ सकता है, ऐसा भी कुछ लोग सोच सकते हैं। लेकिन पॉज लगे तो व्यक्ति चिंतन करे तो नंबर वन का चिंतन होगा कि जब जीवन में दुख आए तब विचार करना कि दुख जो है वो नॉर्मल है। नंबर टू पे सोचेंगे दुख जो आया है वो किसी ने दिया नहीं, फिर कहां से आया? दुख नॉर्मल है नंबर वन, दुख अकारण नहीं है, कारण से है, लेकिन उसका कारण कौन है? जैसे एक बच्चे ने अपने पापा से कहा कि आज मैम ने मुझे बहुत डांटा। पापा ने पूछा, जरूर कोई गलती करी होगी, जरूर तूने कोई शरारत की होगी। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी बच्चे को नहीं छेड़ा, मैं तो चुपचाप अपने डेस्क के ऊपर सोया हुआ था और मैम ने क्या किया? अब आपको समझ आ गया कि अपनी बात से ही उसको क्या मिली है? सजा। अपने ही कारण उसे सजा मिली है और वो सोचता है मैम ने सजा दी। लेकिन याद रखिए, हम ही कारण होते हैं हमारे दुख के। दूसरा कोई व्यक्ति आपका निमित्त बन सकता है लेकिन कारण नहीं बन सकता। दूसरा व्यक्ति जो है वो मात्र मीडियम है, जिस मीडियम से गुजर करके कोई चीज आती है, कोई दुख आता है, कोई द्वार खुलता है। लेकिन वो द्वार खुलने का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति ने ऐसा किया है। इसलिए याद रखिए कि इस संसार के अंदर यदि जीवन में दुख आया है तो वो दुख जो है वो अकारण नहीं है, कारण से आया हुआ है। लेकिन उसका कारण कौन है? मैं स्वयं हूँ। उस समय अपनी पास्ट को देखें। कौन सा वाला पास्ट? इस जन्म का पास तो शायद देख सकते हो, लेकिन आप जो है जिस पास को नहीं देख पाते हो, नहीं सोच पाते हो, उस पास्ट के बारे में भी सोच सकते हैं कि वो पास्ट कैसा होगा। यानी ये जो आया हुआ दुख है वो मेरे पास्ट से रिलेटेड है, यानी पास्ट में ऐसा कुछ मैंने किया था जिसका रिफ्लेक्शन अब आया हुआ है। अब जब रिफ्लेक्शन आया हुआ है तो कारण तो मैं ही हूँ, कारण दूसरा नहीं है। तो जब दुख आए तब दुखी नहीं होना, जब दुख आए तो दूसरों को दुखी मत करना। अपने लिए दुख आए, अपने पर दुख आए और हमको बहम हो गया, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि इसके कारण दुख हुआ है, तो हम उसे दुखी करना चाहते हैं, दुख देना चाहते हैं। और ज्ञानी कहते हैं दुख आए तब दुखी मत होना, दुख आए तो दूसरों को दुखी मत करना, और दुख आए तो दूसरों को दोषी मत ठहराना, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, यहीं से गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। दुख तो आते हैं लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग ये क्रिएट हो जाती है कि दूसरे ने दिया है। जब दूसरे ने दिया है तो मैं उसे कैसे वापस दे सकता हूँ? यानी टिट फॉर टैट की विचारधारा चल पड़ती है और व्यक्ति उस राह पे आगे निकल जाता है। तो नंबर टू पे ये याद रखना कि जीवन में दुख आते हैं तो किसके कारण आते हैं? 100% मेरी जिम्मेदारी से आए, 100% आई एम रेस्पॉन्सिबल, दूसरा रेस्पॉन्सिबल इसमें नहीं है। 100% यदि कोई मेरे साथ कुछ हुआ है उसकी जो है वजह कोई और हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी मेरी है, मूल की भूल मेरी है, ऐसा मान करके उस समय जब पॉज की स्थिति हो तो ये ध्यान रखना। नंबर थ्री बताया कि जब जीवन में दुख आया है तो दुख में दुख का बटन मत दबाना, दुख में दुख का बटन मत दबाना। क्यों? हाँ, क्योंकि जीवन में अक्सर ये होता है कि जब दुख आता है तो हम फिर से दुख को रिपीट ऑर्डर देते हैं। रिपीट ऑर्डर किसको कहते हैं? एक तो दुख आया,
और वो दुख हमसे सहा नहीं जा रहा, ये भी पक्की बात है, और सहा भी नहीं जा रहा है। एट द सेम टाइम मती कहती है इसकी वजह से आया, उसकी वजह से आया, ऐसा सोचने से आया, वैसा करने से आया, तो हम वापस क्या करते हैं, हम जो है उसका स्वीकार नहीं करते, उस दुख का इनकार करते हैं, और बदले में क्या करते हैं, नए दुख का रिपीट ऑर्डर देते हैं, वापस नए दुख का निमंत्रण दे देते हैं। आप देखिए, रोशनी करने के लिए बटन होता है, रोशनी करने के लिए बटन होता है, रोशनी का अभाव करने के लिए भी बटन होता है, अंधेरा करने के लिए, अंधेरा करने के लिए बटन नहीं होते, अंधेरा करने के लिए कभी बटन नहीं होते। यदि जो व्यक्ति ये सोचता है मुझे अंधेरा चाहिए इसलिए बटन नहीं, रोशनी का अभाव करने के लिए बटन होता है। ध्यान कहाँ पे दो, यानी याद रखिए कि जीवन के अंदर जब दुख आए तो दुख के बटन के ऊपर अपना हाथ मत लगाएं, क्योंकि दुख में दुख का बटन दबाना रिपीट ऑर्डर हो जाएगा। और नंबर फोर कहता है, जब जीवन में दुख आए तो मुस्कुराना सीखो। क्या करो, वेलकम करो। जीवन में दुख आए हैं वो वेलकम इसलिए करना है, बहुत कुछ सिखाने आए हैं, बहुत सारी बातों की प्रेरणा देने आए हैं, बहुत सारी मेरी भूलों को सुधारने के लिए आए हैं, बहुत सी मेरी गलत आदतों के ऊपर प्रहार करने आए हुए हैं, और जो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था उस ओवर कॉन्फिडेंस को क्या करने आए हैं, कंट्रोल कराने आए हैं। जो मुझे लग रहा था कि सब हो जाएगा, ये तो बहुत मामूली सी बात है, ऐसी सोच जब आने लग जाए तो समझ लेना कि अब जो है पाप का उदय आने ही वाला है। इसलिए ज्ञानियों ने पहले ही कह दिया कि जब जीवन में दुख आए तो इतना याद रख लेना, मुस्कुरा करके उसका वेलकम करो, ताकि रिपीट ऑर्डर ना हो, वापस आत्म ध्यान ना हो, नए कर्मों का बंद ना हो। और उसके लिए फिर से हम ध्यान में ले ले कि यदि व्यक्ति विचार करे कि मेरे जीवन की रेड लाइट है, यानी दुख आए तो रेड लाइट समझना, रुकना सीखना, स्टॉप करना, स्टॉप करना यानी जो जो आपकी स्पीड जहां जिस जिस दिशा में जा रही है वहां पॉज दोगे तो आप चिंतन करना सीखोगे। चिंतन जो करेगा वो चेक करेगा मेरी गलतियां कहां हो रही है, जो चेक करेगा वो एक दिन चेंज भी होगा। इसलिए ज्ञानियों ने कहा रुकना सीखो। तो नंबर वन की रेड लाइट कि जीवन में दुख आए तो रुकना सीखो। अब नंबर टू की रेड लाइट बताई है, जब जीवन में सुख आए तब भी रुकना सीखो, क्योंकि सुख आने पे क्या लगता है, एक सफलता के बाद दूसरी सफलता, दूसरी के बाद तीसरी सफलता, तीसरी सफलता के बाद सफलता का कहना चाहिए सिलसिला चल पड़े तो समझ लेना मैक्सिमम आपके लाइफ के अंदर जागने की जरूरत है, ये पॉज लगाने की जरूरत है। क्योंकि ये पुण्य का उदय जो है ये वॉलीबॉल मैच है। कैसी मैच है? वॉलीबॉल मैच। क्या होता है वॉलीबॉल मैच में? यानी वॉलीबॉल मैच के अंदर नियम होता है कि कोई भी व्यक्ति आपके बॉल को गिरने नहीं देता, आपकी बॉल को उठा लेता है। यानी आपकी बॉल को उठाने का मतलब आपकी जो आज्ञा है, आपकी जो विचार है, आपकी जो सोच है, आपके जो कथन है, यानी उस कथन को इतना सम्मान मिलता है, इतना आदर मिलता है, इतनी इज्जत मिलती है, इतना लोग आपको अच्छे के रूप में पहचानते हैं, जिसको लोग कहते हैं मेरा गोल्डन पीरियड चल रहा है। जिस समय ऐसा लगे मेरा गोल्डन पीरियड चल रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम इस समय संभावना है किसी भी राह पे जाने की, तो उस समय जाग जाना। यानी जब जीवन में ऐसा लगे कि सुख मेरे चारों
तरफ से बरस रहा है, मैं जो चाहता हूँ वो सब हो रहा है, बिना मेहनत के हो रहा है, कोई व्यक्ति से मेरे को मांगना नहीं पड़ता, सब कुछ हो रहा है, नाम मैंने कभी करने की चाह नहीं रखी फिर भी नाम हो रहा है। इसका मतलब समझ लेना कि इस समय पुण्य का उदय जो है वो शिखर के ऊपर है, पीक पॉइंट पे है। और याद रखना, पीक हमेशा कैसी होती है? नुकीली होती है। पीक हमेशा नुकीली होती है। उस पीक पे एक बार कोई पहुंच जाए और उस पीक पे टिकना चाहे तो टिक सकता है, अधिक देर तक नहीं टिक सकता। इस संसार का नियम है, इस संसार का नियम है, यदि अति सुख के अंदर आप चल रहे हो तो अधिक समय तक नहीं टिक पाएंगे, वहां से गिरना होगा। वहां से न गिरना हो तो क्या करो? जिस पीक पे आप पहुंचना चाहते थे वहां पहुंच जाने के बाद यदि पॉज लगाया ना हो, यदि जीवन में चिंतन ना जगाया हो कि किसके बल पे सब कुछ मिल रहा है, पुण्य के उदय से, यानी जब जीवन में पुण्य का उदय शिखर पे बैठा हुआ हो, आपको शिखर पे बिठा तक देता हो, उस समय याद रखना कि अब जो है इस उदय काल में ही कुछ करने जैसा है। इस पुण्य के उदय को जैसे बताया, पाप के उदय से भागो मत, क्योंकि दुख जो है वो पाप का उदय है। दुख से भागो मत, दुख में जागो, ऐसे ही बता दिया कि यदि जब जीवन में पुण्य का उदय हो तो पुण्य को भोगो मत, दुख पाप से जब पाप का उदय हो उससे क्या नहीं करो, उसे भागो मत। और जब जीवन में सुख आए तब उस सुख को भोगो मत। इसका मतलब क्या करना उस सुख को? आपके हाथ में जो सुख की संपत्ति आई हुई है, यानी जो सुख नाम का फल आया हुआ है, उस सुख को रीइन्वेस्ट करने की आदत तो पड़ी हुई है। रीइन्वेस्ट कहाँ करोगे? क्योंकि वहीं से रास्ता निकलता है। पीक के ऊपर नहीं रह सकते, जिस पीक के ऊपर रहना चाहते हो नहीं रह सकते, संसार का नियम है, वहां से गिरना सुनिश्चित है। तो उस गिरने से पहले एक काम कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है? जब रुकोगे, जब सुख आए जीवन में, जब कोई व्यक्ति आपकी ऐसी वैसी बात भी मान लेता है, अच्छी वाली बात माने तो समझ में आता है, लेकिन आपने रैंडमली कोई बात ऑडिट में पास कर दिया, बिना सोचे समझे भी आपने कोई ऐसी बात कह दी और उस बात को भी बड़ी इज्जत से सुना जाता है, माना जाता है, समझा जाता है, तो समझ लेना ये तो इससे ज़्यादा और क्या पुण्य का उदय होगा। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे पुण्य के उदय के शिखर पे बैठने के बाद एक और काम करने जैसा है। यदि रीइन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक सुझाव है। सुझाव ये है, ये समझ में आ जाए कि चेकिंग कर लो कि मुझे अहंकार तो नहीं आ गया, मेरे जीवन में अहंकार तो नहीं आ गया कि इतना सब कुछ, बड़ी कम मेहनत में सब कुछ इतना वेल सेटल्ड हो गया है। और ये वेल सेटल्ड जो चीज है ये रहने वाली, ये समझ भी है, ऐसी समझ भी है, ऐसी समझ नहीं है, ऐसा नहीं है। बैक ऑफ द माइंड सारी बातें समझ में आ रही हैं कि जो ही दिख रहा है दृश्य, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, पलटी खाने वाला है, ये पलटेगा, साइक्लोन कोई ना कोई तो आने ही वाला है। लेकिन साइक्लोन आने से पहले मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ, एक पीक से दूसरे पीक की तरफ मैं जा सकता हूँ, जा सकता हूँ कि नहीं? एक पीक से, जो संसार का पीक है, उससे मैं दूसरे पीक की तरफ जा सकता हूँ। और दूसरा पीक कौन सा है? अध्यात्म का, परमार्थ का पीक है। यानी जहाँ टेम्पररी सुख के शिखर पर बैठा हुआ हूँ, उस टेम्पररी सुख के दौर में, उसी के दौर में
मैं परमानेंट सुख का लक्ष्य बना सकता हूँ, उस सुख को कैसे प्राप्त करना है, उस सुख के लिए मुझे कैसे आत्मा के स्वरूप को जानना है, उसके बारे में सुनना, समझना और उसके बारे में निश्चय करने के लिए यही मेरे पास अवसर है। यानी जब सुख का समय चले तो बिल्कुल वेस्ट मत करना, उस सुख के दौर को वेस्ट मत करना, री इन्वेस्ट करना। और री इन्वेस्ट किसमें करना? क्योंकि जब भी आप अपना पास्ट देखोगे, जब जीवन में सुख आया हो तो क्या लगेगा, जरूर मैंने कुछ अच्छा किया होगा। तो आज क्या हुआ है? सब अच्छा हुआ है। मैंने अच्छा किया होगा, क्या अच्छा किया होगा? मैंने धर्माचरण किया होगा, मैंने धर्म क्रियाएं की होगी, मैंने बहुत सारे लोगों की सेवाएं की होगी। तो आज सब कुछ अच्छा मिला है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? जो अच्छा मिला है उसको भोगने में नहीं लगना है, उसको भोगने में नहीं लगना है, उसको त्याग में लगा, उसको बांटने में लगा। उसको भोगने लग जाओगे तो फिर तो साइकिल चल पड़ी, फिर तो रिपीट साइकिल आपकी वो चल पड़ेगी, क्योंकि उस पीक से गिरने का नंबर आ जाएगा। यदि उस पीक से दूसरे पीक पे जाना हो तो ये जीवन की पूरी अनुकूलता है कि मैं आत्मा धर्म को जानूं। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा धर्म का क्या, आत्मा और धर्म का क्या कनेक्शन है? आत्मा के स्वरूप को जानूं, ऐसा चिंतन अंदर से जागे तो समझ लेना कि मैंने जो है मेरे सुख को री इन्वेस्ट कर दिया है। यानी सुख आने पर रेड लाइट है ऐसा मानना, और ऐसा मानने के बाद चिंतन करना, और चिंतन करने के बाद आत्मा के ऊपर श्रद्धा जगाना, क्योंकि तो आत्मा शाश्वत है। जो शाश्वत में श्रद्धा जगाएगा तो उसका सुख भी जो है वो शाश्वत ही होगा। तो इन्हीं भाव से हमने दो बातें आज समझी हैं कि जब जीवन में सुख आए तब जागो, जब जीवन में दुख आए तब भी जागो। दोनों जगह जागना है, क्योंकि तो जागना ही धर्म है, जागना ही भगवान महावीर ने धर्म कहा है, और सोना अधर्म है। इसलिए आज के दिन ये चिंतन करेंगे और चेकिंग करेंगे, और चेक करके ये समझ में आ गया कि मेरी क्या क्या गलतियां आज तक हुई हैं, उस गलतियों को मुझे रिपीट नहीं करना। इन भावों के साथ, इन जागृति के साथ आत्मा की तरफ लगेंगे, इन्हीं भावों पर पहुँचेंगे। श्री कल्प सूत्र में आज का विषय भगवान महावीर जी का जीवन कल्याणक और जन्म कल्याणक से संबंधित है। समय 3 से 4 सबको मालूम ही है। ये जन्म कल्याणक हमने सुनना है। कल्प सूत्र में जो जन्म कल्याणक बताया जाता है उसे सुन करके उसे अपनाने के लिए ये जन्म कल्याणक है। तो बहुत स्थिरता से, शांति से सब मिलकर के इसे श्रवण करेंगे, अवश्य सबके जीवन में ऐसा कोई कल्याण का अवसर मिलेगा। प्रतिक्रमण का समय सबको पता है 6:30 से 7:30। 12 घंटे का जाप भी आपका निरंतर जारी है। परावर्तना कराए पहले या पचकान करा ले जाना है तो भी 3 दिन बाकी, ठीक है। अब महापर्व पर्युषण के कितने दिन बाकी है? अब तक भी अंदर में तप के भाव नहीं जागे हो तो 3 दिन तो अवश्य जगा लेना। 3 दिन के लिए कोई भी जिनकी उपवास की शक्ति है 3 दिन का तेला करे, जिन्होंने आयंबिल अभी तक नहीं किया हो 3 दिन आयंबिल करे, 3 दिन एकाशन करे, जो भी जिसकी शक्ति है, और कुछ भी शक्ति ना हो तो 3 दिन मौन साधना कर सकते हैं, कर सकते हैं। सबसे आसान काम मौन, कठिन काम, अच्छा हमने गलत बोल दिया क्या? देखिए, किए बिना कोई काम आसान नहीं होता। अशोक जी करके देखिए, किए बिना कोई काम आसान नहीं होता। जब तक आप नहीं करते तब तक आपको क्या लगता है? कठिन।
जब आप कर लोगे तब आपको लगेगा अरे इतना बोलने की तो जरूरत ही नहीं थी, हम कितना फालतू का बोल रहे थे। चलिए सारा टाइम नहीं कर सकते तो इन 3 दिनों में कम से कम 8-8 घंटे का या 12-12 घंटे का मौन साधना करके देखो, और मैं अनाहारक तत्व हूँ इसका अभ्यास, इसका चिंतन करोगे तो वो भी आपका एक तप की भूमिका अवश्य तैयार हो ही जाएगी। मगर ये 3 दिन तो बिल्कुल खाली मत जाने देना, किसी भी तरह के तप में, तप धर्म में प्रवेश अवश्य करने की सोचना। अपने घर वालों को भी प्रेरणा देना, और भी आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा और आप अधिक से अधिक आराधना कर सकेंगे। परावर्तना करा ले श्री अंतकृत दशांग सूत्र। आज मैं इधर ही देख रही हूँ, इधर से उत्तर लेना चाहती हूँ। ये तो बहुत उत्तर देते हैं, दोपहर को भी यही उत्तर देते हैं, दोपहर में तो आप दिखते ही नहीं हो ना, इसलिए भी। श्री अंतकृत दशांग सूत्र में सुनाइए, आपने इतना धैर्य से सुनते हो, शांति से सुनते हो, भीतर में समाने के लिए सुनते हो, तो आप बोलोगे, आपको बोलना भी आ जाएगा। ऐसे मत बोलना कि मुझे याद है, आता है, मगर हमें बोलना नहीं आता, ऐसा नहीं। आप बोलोगे तो आपको बोलना भी अवश्य आ जाएगा। श्री अंतकृत दशांग सूत्र में जाली मयाली आदि ने क्या उपदेश ग्रहण किया भगवान अरिष्टनेमी जी से, या भगवान अरिष्टनेमी जी ने उनको क्या संदेश दिया, क्या उपदेश दिया, आपको क्या याद रहा उसमें से? क्योंकि यही तो लेके जाना है अपने को घर, बताइए। पीछे से भी हाथ खड़े करे, थोड़ा तेजी से करिए ऊपर तक, ताकि महाराज जी को दिखाई दे। हाँ जी, पीछे वाले हाथ। बहुत सुंदर, यानी वो जीवन, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, जीवन की सुरक्षा हो ही नहीं सकती, और जिसकी सुरक्षा हो सकती उसकी सुरक्षा हम कर नहीं रहे। इस बात को आज 5-6 बार अपने मन में रिपीट करना, तभी अंदर जाएगा। जब कभी आप फ्री हो, आपको याद आना चाहिए आज भगवान अरिष्टनेमी जी का क्या उपदेश था, वो उपदेश मुझे भी अंदर में लेना है। बार बार चिंतन करोगे तो सबको समझ आएगा, और एक दिन सभी आत्मा की रक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। आज की किताब जो है श्री महावीर कथा के नाम है, आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है, और ये किताब में 5ों कल्याणक के बारे में लिखा गया है, इसलिए आपको बहुत अच्छा लगेगा श्री महावीर कथा ये पुस्तक पढ़ करके आपको अपने जीवन में कल्याण करने का भाव अवश्य जागेगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए श्री अंतकृत दशांग सूत्र में से, क्योंकि महारानियों का प्रश्न पूछेंगे, तो महारानियों ने क्या प्रश्न पूछा और भगवान ने, देखिए सारी तैयार है हाथ खड़ा करने के लिए, अभी तो मेरा प्रश्न भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, बहुत सुंदर। और भगवान ने उन्हें कैसे समझाया, आप बोलिए। जीवन का सार, हाँ, और भगवान ने कैसे समझाया उनको, उदाहरण दिया था ना कोई, आ रहा है उदाहरण, या वो बोलेगी, उदाहरण याद आ रहा है? हाँ हाँ, रत्न, हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर। यानी ये शरीर सौंदर्यवान नहीं है, आत्मा क्या है, सौंदर्यवान है। बहुत सुंदर किताब आपने पढ़नी है, अपने बच्चों को भी सुनानी है, ठीक है। अब सबसे इजी, जो अभी अभी आपने टॉपिक सुना है उसमें से प्रश्न पूछेंगे, और जो भी उत्तर देना चाहेंगे दोनों तरफ के लिए चांस है। और प्रश्न है, जीवन में दुख की रेड लाइट आए, क्योंकि वो समाना अंदर में जरूरी है, दोनों पूछेंगे हम। दुख की रेड लाइट पे रुकेंगे तब क्या करेंगे, और सुख की रेड लाइट पे रुकेंगे, रुकना तो पड़ेगा दोनों रेड लाइट पे, मगर करना क्या है, क्या लेके जा रहे हो अपने साथ में,
दुख और सुख में से अलग अलग भी बता सकते हैं, एक साथ भी बता सकते हैं। बताओ। हाँ जी बोलिए। सुना नहीं। सुख, अच्छा, सुख में क्या करना करे, सुख को भोगे नहीं और दुख से भागे नहीं। बहुत सुंदर है। इन शॉर्ट इसके अंदर का फिर सारा आपको याद आता जाएगा। बहनों ने तो सारे चार चार पॉइंट आपने याद रखे ना, इसीलिए हाथ खड़े कर रहे हैं। प्रवीण जी आप चार पॉइंट बता दो, नहीं तो चार पॉइंट ये लोग बताने को तैयार। बताओ आप, बताओ। बहुत सुंदर। मुस्कुराना है क्योंकि आप मुस्कुराए, अगर आपने बोला नहीं इसलिए मैंने हेल्प कर दिया। बहुत सुंदर। इस तरह से भी याद रहेगा, परावर्तना करोगे आपको अवश्य आनंद आएगा। बहनों को तो सबको आता है, सबको ही पुरस्कार हमारी अनुमोदना का आपके लिए है। आप सब अवश्य स्वाध्याय करते रहना, आगे रहना, इसके अंदर तपस्या के पचकान कराएंगे। आज सबसे